Hi, and welcome to the Valentine's Week. I saw a girl's status on Valentine's Day that Valentine's Day is almost here. So if you are secretly in love with me, not with me, I mean the girl, now would be a great time to come and tell. अब इसने ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आओ और मुझे प्रपोज करो। इसका असली मतलब है कि जिसका गिफ्ट सबसे महंगा होगा उसको 1 महीने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे फोन पे मुझे बेबी शोना खाना खाया नहीं खाया बोलने का। और सबसे बड़ी वसूली तो लड़कों के साथ होती है। वैलेंटाइंस डे पे सिंगल होते हुए भी किसी दोस्त यार के साथ निकल लिए तो घर वाले बीपी की गोलियां खाने लग जाते हैं। और लड़के के मार्क्स कम लाने की वजह उस लड़की को दे देते हैं जो असल में है भी नहीं। सच में। और ये वैलेंटाइंस डे तो ठीक है, पर इसके साथ जो चेले चपाटे दिन आते हैं उनका क्या? भाई वो किस खुशी में आते हैं? रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, हग डे, टेडी डे। भाई मुझे तो सीक्वेंस भी नहीं आता इनका। पर ऐसे दिनों का रीजन तो कोई होना चाहिए, लाइक टेडी डे। ऐसा क्या हुआ था भाई? एक दिन एक लड़का पार्क में बैठा और एक टेडी उसकी गोद में गिर गया और आकाशवाणी हुई कि बेटा जाओ इस टेडी को अपने प्यार के पास लेके जाओ और प्रपोज कर दो। ओ शिट। असल में ये सब दिन लड़कियों ने बनाए। भाई पहले 7th को रोज डे, और फूल बेचने वाला भी उस दिन का भरपूर फायदा उठाता है। मैं गया फूल लेने के लिए अपनी वाली के लिए। हाँ, मेरी वाली ने पहले मुझे फोन पे बता दिया कि फलाने लड़के ने पिछले साल मेरे को 200 रोज़ेस का बुके दिया था। मैं गया फूल वाले के पास, भाई 200 रोज़ेस का बुके बना दे, वो भी पूरे फायदे में। 200 रुपए का एक बुके? नहीं गुलाब, भाई किडनी ले ले मेरी, जो पैसे बचेंगे थोड़े बचे मेरे को भी दे दियो। ठीक है भाई, बनवाया किसी तरीके से। अगले दिन मैडम का कॉल आ गया कि शोना आज तो प्रपोज डे है। अब कोई किसी को प्रपोज करने जाएगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं। मैं बेचारा मिडिल क्लास लड़का हर चीज से एक परफ्यूम ले गया। मेरा जो फलाना जो पिछले साल बॉयफ्रेंड था ना, उसने मुझे शनैल का परफ्यूम दिया था। स्मेली तो निकलनी है, और क्या निकल रहा है, परफ्यूम ही तो है। क्या शनैल के परफ्यूम में से लगा करके उसका लोगो लग जाएगा, छप जाएगा, क्या होगा? कोई बात नहीं, जैसे तैसे मनाया और अगले दिन फोन आ गया, बेबी आज चॉकलेट डे है। लो जी, अभी फूल वाले का और आर्चीज वाले का कर्जा उतरा भी नहीं था कि कन्फेक्शनरी वाले का भी डाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला दिन फिर टेडी डे आ गया। किसी तरह अपनी शर्म मार के आर्चीज पे पहुंचा टेडी लेने के लिए, और वो भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिया और बोला भाई ले जा। इसी चक्कर में मैंने दुकान खोल दी। चलो, अभी ये दिन पूरा खत्म भी नहीं हुआ था कि 11:50 पे रात को मैडम का फोन आ गया फिर से। बेबी कल प्रॉमिस डे है। भाई क्या प्रॉमिस चाहिए? मेरी साल भर की पूरी इनकम तेरे पे खर्चने का प्रॉमिस चाहिए? क्या चाहिए बता दो, प्रॉमिस जो मर्जी हो, असल में यही चाहिए। सबक मैंने भी सीख लिया। 12 को मैंने ही पहले फोन कर दिया, बेबी आज हग डे है, और वो मुझसे भी चंट। तुम्हें पता है लास्ट लास्ट ईयर जो मेरा फलाना जो बॉयफ्रेंड था ना, उसने मुझे एक स्पेशल ड्रेस लेके दी थी हग करने के लिए। दीज गर्ल्स आई टेल यू। ठीक है, करा 13 तारीख को फिर। मैंने कहा ये मौका तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तो किस डे है। सुबह सुबह मैडम का अपने आप ही पहले मैसेज आ गया। बेबी कब आऊं? नहीं, आज तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ वृंदावन जा रही हूँ, अपने कान्हा जी को किसेस करूंगी। खर्चा करूं मैं? कोई बात नहीं भाई साहब, 14 को मैं सत सवर के पहुंच गया।
उसके घर कि आज देखी जाएगी, टुडे इज माई डे वाली फील लेके। ठीक है, घंटी बजाई, मेड आई, मेड को बोला मम्मी को ले आई। मम्मी बोली ए बेटे आज तुम्हारी दीदी अपने तुम्हारे होने वाले जीजू के साथ ना सुबह सुबह घूमने ही चली गई। बाय गॉड उस दिन जली का एहसास हुआ और उस फलाने लड़के का दर्द भी महसूस हुआ जो बेचारे ने इतना खर्चा किया था। आदत से मजबूर। कुछ दिन बाद फिर हम इंस्टाग्राम पे पहुंच गए उसकी प्रोफाइल चेक करने, तो देखा लिखा हुआ था टेकन। अब ये मुझे नए वर्ड्स समझ नहीं आते। टेकन, पहले टाइम पे देखा होगा कि अब जब कोई लड़की कमिटेड होती थी तो वो लिखती थी कमिटेड, राइट। आजकल नया वर्ड आ गया टेकन। मैं सब्जी हूं, टेकन, तरकारी, टेकन। नाउ यू रिमेंबर दोज डेज व्हेन यू यूज्ड टू विजिट, या स्पेशली यू यूज्ड टू विजिट एन एफबी प्रोफाइल एंड फाइंड दैट पर्सन हैव मार्क्ड हिज रिलेशनशिप स्टेटस एज कमिटेड और इन अ रिलेशनशिप, एंड इफ यू रिमेंबर दैट यू मस्ट हैव विजिटेड अ लॉट ऑफ रैंडम एफबी प्रोफाइल्स। नाउ आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, सी दोज डेज आर लॉन्ग गॉन। नाउ व्हेन यू यूज टू मार्क स्टेटस लाइक कमिटेड और मैरिड और सिंगल और वट एवर, न्यू वर्ड्स हैव टू रिप्लेस देम नाउ। यस, न्यू वर्ड्स। नाउ फॉर सिंगल वी हैव अ न्यू वर्ड, फॉर एवर अलोन, अंडरस्टैंडेबली सो। फॉर मैरिड द न्यू वर्ड इज लिव इन। पीपल डोंट वॉन्ट टू मैरी एनी मोर, दे हैव फाउंड द सेम बेनिफिट्स ऑफ मैरिज इन अ लिव इन विद लीस्ट कमिटमेंट इश्यूज, एंड नाउ इवन द गवर्नमेंट हैज लीगलाइज इट, सो माइंड यू। बट द ग्रोसियस इज द कन्वर्जन ऑफ कमिटेड टू टेकन। मुझे नहीं पता ये वर्ड किसने इन्वेंट किया, बट जिसने भी किया भाई क्यों किया? ऐसा लगता ही नहीं कि रिलेशनशिप स्टेटस है, ऐसा लगता है कि कोई कमोडिटी सेल पर थी। नाउ इट इज टेकन, बाय बाय। आई मीन टेकन, इज दिस द बेस्ट यू कैन कम विद फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कमिटेड? आई वॉज कमिटेड, आई एम टेकिंग। आई रिमेंबर आवर फ्रेंड्स अर्लियर यूज टू व्हेन यूज टू बोरो थिंग्स, एंड यू नो दे यूज टू से आई हैव टेकन योर बुक, टेकन दैट टेकन। मे बी इन फ्यूचर यू विल फाइंड अ गर्ल, यू नो अ गर्ल एंड अ बॉय टॉकिंग लाइक दिस, हे यू आर लेट, आई वॉज इन अ फॉर एवर अ लोन मूड टिल नाउ, बट नाउ आई एम टेकन एंड विल स्विच टू लिव इन वेरी सून, बट माई ऑप्शन आर स्टिल ओपन। मे बी समडे आस्क अ गर्ल एंड शी रिप्लाइज आई एम टेकन, माई रिएक्शन फॉर हाउ मच? सॉरी दीदी, सॉरी।